हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौम्या खत्री और आज मैं आ गई फिर से एक नई वीडियो लेके आप लोगों के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीन्स अपनी स्किन का ध्यान कैसे रखें। ठीक है, आप लोग जो है स्कूल्स जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, कुछ वर्किंग हैं, तो आप लोग कैसे अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो, हम उस बारे में बात करेंगे। तो हम जो है जब भी बाहर निकलते हैं, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन लेती है, डर्ट लेती है, तो अपनी स्किन को हम कैसे सॉफ्ट रखें, कैसे हमारे रिंकल्स जो हैं वो जल्दी ना आएं और हमारी स्किन यूथफुल रहे, रिफ़्रेश फील करे, उसके लिए हमने करने होते हैं 3 से 4 स्टेप्स जो कि हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आपने क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और समझना है। ये चीज़ आपने दिन में 2 बार करनी ही करनी है अपनी स्किन के लिए, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, ताकि आपको खुद को देख के अच्छा फील हो और आपकी स्किन जो है हेल्दी रहे। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपनी वीडियो में। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो स्टेप्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। वो है CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो इन सब के लिए मैं क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। आपके सामने है 3 प्रोडक्ट्स जो कि हैं फ्रॉम बायोडर्मा। बायोडर्मा इज़ अ फ्रेंच ब्रांड। तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो है सेंसी बायो H2O, विच इज़ अ माइसलर वाटर, जो कि है एक मेकअप रिमूवर जो हेल्प करता है आपको मेकअप रिमूव करने में। सेकंड जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये है सेंसी बायो जेल मूसेंट, विच इज़ अ फेस वॉश सूदिंग माइसलर क्लींजिंग फोमिंग जेल। तो ये जेल फॉर्म में है, एक फेस वॉश। उसके बाद नेक्स्ट 3rd प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है बायोडर्मा से ही सेंसी बायो टोनिक, विच इज़ अ टोनर सूदिंग मॉइस्चराइजिंग टोनिंग लोशन है ये। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके पोर्स को टाइटन करने में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इन्हें यूज़ कैसे करेंगे, CTM हमने करना कैसे है वो हम देख लेते हैं। CTM के लिए सबसे पहले मैं अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ, मतलब मेकअप को रिमूव कर लेती हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप लोग भी अगर कहीं से आते हो, कॉलेज से, ऑफिस से, कहीं से भी आ रहे हो घर वापस, तो आपने आके ये प्रोसेस करनी है। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर आपने करने हैं। और जब आप सुबह जा रहे हो ऑफिस, तब भी उससे पहले भी आपने ये सारी चीज़ें करनी है। तो दिन में 2 बार करोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे आपके फेस पे पिंपल्स हैं, कोई पिगमेंटेशन है या आपके रिंकल्स, उन सबको ये हटाते हुए आपकी स्किन को काफ़ी अच्छी रिफ्रेशमेंट देगा और यूथफुल बनाएगा आपकी स्किन को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला माइसलर वाटर, सेंसी बायो H2O फ्रॉम बायोडर्मा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक ये कॉटन पैड ले रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर इस माइसलर वाटर के ड्रॉप्स ले लूँगी और इसके बाद इसने फेस को करूँगी इससे क्लीन, स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी ताकि मेरे फेस पे किसी भी तरीके से मेकअप, ऑयल, सीबम, डर्ट, सारी चीज़ें अच्छे से रिमूव कर लूँगी ताकि कुछ भी ऐसा ना रह जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, ये जो माइसलर वाटर है ना, इससे आपकी स्किन ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, एक्सट्रीम लेवल पर ड्राई नहीं होगी, क्योंकि बाकी हम जितने भी माइसलर वाटर यूज़ करते हैं ना, उनसे ना हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है वो यूज़ करने के बाद, बट इससे ऐसा नहीं होगा। आपकी स्किन जो है वो वेल हाइड्रेटेड रहेगी। और आप देख रहे हो कितना ईजीली ये मेकअप रिमूव हो गया है। मैं आपको कॉटन पैड दिखा रही हूँ, इसमें भी अच्छे से रिमूव हो गया पूरा, आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही ईजीली मेकअप रिमूव हो गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल, कोई भी हो वो इसको यूज़ कर सकता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप है ये सेंसी बायो जेल मूसेंट, ये है एक फेस वॉश, इसको अब हम यूज़ कर लेंगे। यूज़ करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा अपने पाम पे ले लूँगी और मैं दिखाती हूँ इसका जो टेक्स्चर है ना वो काफ़ी रनी है। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, हम इसको अच्छे से सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पे। थोड़ा सा पानी ले लेंगे हाथ पे और इसको थोड़ा सा वेट करके अच्छे से अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे फेस पे कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल, कोई सीबम, डर्ट, कुछ भी एक्स्ट्रा ना रह जाए। इसलिए हम इसको अच्छे से क्लीन करेंगे टाइम देकर। तो मैं आपको इसके मेन इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें है परपेंडियोल, सोडियम लॉरियल सल्फेट, जो कि आपके फेस को अच्छे से क्लीन करता है। साथ ही साथ इसमें है सिट्रिक एसिड, जो कि आपके फेस पे कोई डर्ट नहीं रहने देता, आपके AHA को बैलेंस करके रखता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं होने देगा। इसमें है ग्लिसरील, जो कि आपकी स्किन को रीस्टोर करेगा और साथ ही साथ ये है सोप फ्री और है फ्रेग्रेंस्ड फ्री है। तो मेरा फेस जो है अच्छे से हो गया है अब क्लीन। तो अब मैं इसको वॉश करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। फेस वॉश मैंने कर लिया है, अब हमने क्या करना है, अपने फेस को रगड़ना नहीं है, इसको करना है पैड ड्राई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो अब मैंने अपने फेस को कर लिया है पैड ड्राई और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रही है, यूथफुल फील हो रही है, बहुत ही रिफ़्रेश मुझे लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी ना फ्रेग्रेंस नहीं है एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि मेरी ना स्किन भी सेंसिटिव है, ड्राई है और साथ ही साथ
मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे ना कोई भी एक्स्ट्रा स्मेल होती है किसी भी चीज़ की, वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे होता है या तो प्रोडक्ट में ना बिल्कुल भी स्मेल ना हो, या फिर हो तो अच्छी हो, ठीक है। तो अब इसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा फील नहीं होता, तो बेस्ट चीज़ है इसकी। और ये सोप फ्री है, तो अब हमने ये यूज़ कर लिया है और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप। तो हम कर रहे थे CTM, तो CTM में हमने जो है अपना फेस क्लीन कर लिया है। अब क्लीन करने के लिए पहले मैंने मेकअप रिमूवर यूज़ किया, क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ था। आप लोग डायरेक्टली फेस वॉश भी कर सकते हो क्लीन करने के लिए, विच इज़ सी, ठीक है। तो अब हम आते हैं टी पे, जो कि है टोनर। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडर्मा का सेंसी बायो टोनिक, जो कि है एक टोनर, ठीक है। तो अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैं ये कॉटन पैड लूँगी, इसके ऊपर इसको लगा लूँगी और अच्छे से डैब डैब करते हुए मैं अपने फेस में इसको लगा दूँगी। डैब डैब करते हुए आपने अपनी स्किन में इसको लगाना है। अगर आप साथ ही साथ अगर आप कॉटन पैड नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप अपने पाम पे ले लो टोनर को और डैब डैब करते हुए अपने फेस पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पोर्स है ना वो टाइटन अप हो जाएंगे टोनर से, और उस जो एक्स्ट्रा कोई डर्ट होती है जब हम फेस वॉश करते हैं ना, उसके बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, या हम कोई स्क्रब यूज़ करते हैं, कुछ भी हम करते हैं ना, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसके बाद हमें टोनर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा टोनर अच्छे से लग चुका है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टोनर हम अप्लाई क्यों करते हैं, ठीक है। जब हम फेस को क्लीन करते हैं ना, उसके बाद हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। चाहे आप स्क्रब कर लो, चाहे आप फेस वॉश कर लो, तो आपके पोर्स जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। तो उसके बाद हमारे पोर्स को हमें टाइटन करना होता है, वरना क्या होगा कि ना आपकी स्किन में ना कुछ भी डर्ट जाएगी ना, वो पिंपल बन जाएगा, एक्ने बन जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, टोनर ज़रूर अप्लाई करना है अपने फेस को क्लीन करने के बाद किसी भी तरीके से। तो अब हमने टोनर अप्लाई कर लिया है। अब हम करेंगे लास्ट स्टेप, जिसमें कि मैं लगाऊंगी अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र। हम क्या करते थे CTM, CT हो गया, अब हम लगाएंगे M, विच इज़ अ मॉइस्चराइज़र। तो अब आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो आप वो यूज़ कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने हाथ पे लेना है अच्छे से और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। कम से कम अपने फेस को 1 मिनट की मसाज दो, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए अच्छे से, और आपने जो पैसे लगाए हैं उसका आपको फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये है CTM। अगर आप ये दिन में 2 बार करोगे ना, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। साथ ही साथ आपने पीना है काफ़ी सारा पानी, ठीक है, उसको आपने पहले रखना है। आपने पीना है काफ़ी सारा पानी और आपने सुबह शाम करना है CTM, ठीक है। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन, चाहे आप टीन हो चाहे आप अडल्ट हो, आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो। तो आप करके देखो और उसके बाद मुझे अपना रिज़ल्ट बताना कि क्या रहा। तो साथ ही साथ अगर आप ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका प्राइस। तो ये जो सेंसी बायो H2O माइसलर वाटर है, इसका प्राइस है वो है 395 रुपीज़। उसके बाद ये जो सेंसी बायो जेल मूसेंट फेस वॉश है, इसका प्राइस है 499। टोनर है, इसका प्राइस है 249। आप लोग भी ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैंने प्राइसेस बताए हैं, आपको ये प्रोडक्ट्स उन पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि की वेबसाइट पे चल रहा है 10% डिस्काउंट का ऑफ़र। और एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोग ये कूपन कोड यूज़ करते हो जो कि यहाँ पे मेंशनड है Bioderma5, whoever uses this will get 5% discount over and above the already discounted prices, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 10% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 5% additional discount मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पे। सो या गाइज, अगर आप लोग भी ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेकआउट करो और अपने प्रोडक्ट्स ले लो। एंड CTM करना बिल्कुल भी मत भूलना, सुबह शाम CTM करो, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। सो या गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को ऐसी और वीडियोज़ देखनी हो तो मेरे को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। सो या गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।